आज हम बात करेंगे दो नए कॉग्निटिव बायसेस की और एक लॉजिकल फैलेसी की। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करके पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। पहला टॉपिक है बैंडवैगन इफेक्ट। ये इफेक्ट का सीधा मतलब होता है भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी। इसको बैंडवैगन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूएसए के एक इलेक्शन में पब्लिक को बोला गया था अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बैंडवैगन पे चढ़ जाओ। तब से इसे बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। आइए इस पे एक दो एड्स देखते हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैं जाऊंगा इस कॉलेज में। शिक्षा.com स्टॉप फॉलोइंग स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। First day of school, Hunter. Remember to raise your hand in class so they see those cufflinks. I look like our lawyer. Exactly. Oh, pardon me. Mom. No, please. Darling, I have this. Mom. Where did you get these looks? Old Navy? The Navy. It's the Navy. Old Navy, Mom. Could you turn around for us? May we see the back? Mom, please. Hunter? Mom. Hunter, Mommy's speaking. Mom, Hunter. It's my first time. Hunter, season. Let Mommy handle this. And how much for the denims? $8. $8? This shirt was $4. Uh-huh. And you do know that children who lie go to prison, right, Hunter? And does there happen to be any sort of a sale? Yeah, all kids stuff is up to 60% off. You're going to be late today, Hunter. We're going to Old Navy. फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इसका असर देखने मिलता है। जैसे बुल मार्केट में सब वही स्टॉक्स पे लगाएंगे पैसा जो ऊपर जा रहे हों, बट हो सकता है कि अगले दिन वो शेयर गिर ही जाए। मैं यहाँ कैलकुलेटिव रिस्क और ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, बस वो इंस्टेंट इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ जो आपको इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर देती है। जैसे इंडिया में ओला में सबको ग्रोथ दिखी थी तो सब एक एक गाड़ी खरीद के ओला में डालने लगे। सिमिलरली हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में भी ऐसा बबल आता है, और अब तो क्रिप्टो करेंसी भी आ गया इस चीज़ का फायदा उठाने। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैलेसीज की। फैलेसी यानी भ्रम। पहली फैलेसी है गैम्बलर्स फैलेसी। क्या कभी लूडो खेलते वक्त आपने डाइस में 6 लाने के लिए अलग अलग तरीके से डाइस को फेंका है, या फिर डाइस थ्रो की और बाकी सारे नंबर्स आ गए लेकिन 6 नहीं आया? तो अब 6 डेफिनेटली आएगा ऐसा सोच के आप फिर से ट्राई करते हो, या फिर किसी के साथ टॉस की शर्त लगाई और 9 बार हेड्स आया तो 10वीं बार टेल ही आएगा ऐसा सोच के आपने फिर एक बार दाव लगाया, या शेयर ज़्यादा ऊपर गए तो अब गिरेंगे ही, या शेयर ज़्यादा नीचे गए तो अब ऊपर ही आएंगे ऐसा सोच के आपने उनमें इन्वेस्ट किया। तो ये सब को गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। मतलब ये सब बातें सच नहीं है, क्योंकि डाइस में कोई भी नंबर कभी भी आ सकता है, हेड्स या टेल्स कभी भी आ सकते हैं, शेयर्स एक ही डायरेक्शन में जाके फिर यू टर्न लेंगे ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता। ये सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसका सबसे बड़ा धोखा आपको अपने एग्जाम में मिलता है। बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में हम हमेशा एक पैटर्न ढूंढते थे कि अगर पहले 3 क्वेश्चंस ट्रू होंगे तो बाकी 3 फॉल्स होंगे, या ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिवली। बहुत लोगों का तो सही आंसर होते हुए भी पैटर्न के चक्कर में अपना आंसर चेंज कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉल्स कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब बीच का रास्ता निकालना हमेशा सही नहीं होता। हमें हमेशा लगता है कि बीच का रास्ता निकालने से सिचुएशन का हल निकल जाता है। जैसे अगर कोई कहे 2+2 4 है और दूसरा अड़के कहे कि 2+2 6 ही होता है, तो हम होशियारी मार के बीच का रास्ता निकाल देंगे, नहीं भाई 2+2 5 ही होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपको डॉक्टर ने बोला क्रोसिन या डोलो ले लो, तो आप केमिस्ट से आधी क्रोसिन
और आधी डोलो लेते हो कि शायद दोनों का असर हो और कोई एक काम ही कर जाए। ऐसा पागलपन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कोई एक्सट्रीम वाला ऑप्शन सही हो सकता है। या तो आप सिर्फ क्रोसिन ले लो या सिर्फ डोलो ले लो, बीच का रास्ता हमेशा निकालना सही नहीं हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम के टाइम होने वाली पढ़ाई के साथ रिलेट किया जा सकता है। जैसे आपने सोचा कि थियरी पढ़ लिया जाए तो पीपीटीज देखने की ज़रूरत नहीं, फिर आप थियरी पढ़ते वक्त सोचते हो कि नहीं पीपीटी ही ठीक होगा शायद, फिर आप पीपीटी पे आ जाते हो, फिर जब आप पीपीटी देखते हो तो बोलते हो नहीं थियरी ही ठीक रहेगा शायद, फिर आप पीपीटी भी बंद कर देते हो, फिर ना आप अच्छे से थियरी पढ़ पाते हो ना पीपीटी पढ़ पाते हो। तो आप बीच का रास्ता ना निकालें और सीधा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सीधे नोटिफिकेशन आए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।